बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिजा कमर, बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबर के साथ। सबसे पहले मशरक हेडलाइंस। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा है कि मुल्क और सूबे की मौशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर सवार किया जाए। चीफ ऑफ झालावान ने कहा है कि मुल्क की बड़ी जमायतों का बलूचिस्तान से मुतालिक रवैया कभी भी इत्मीनान बख्श नहीं रहा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तला'आत ने कहा है कि हम सब की बरवक कोशिश कोरोना जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ काफ़ी हद तक कामयाब हो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा ने कहा है कि इक्तदार को आसाइश नहीं आजमाइश समझते हैं। सूबाई मशीर खेल सकाफत ने कहा है कि बलूचिस्तान मुख्तलिफ सकाफतों और रवायात का आमीन है, खेलों के फ़रोग से सूबे का मजबूत पहलू दुनिया के सामने उजागर होगा। सूबाई मशीर एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कहा है कि आवाम की खिदमत उनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी और हल्के में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ज़राअत तौसीफ़ बलूचिस्तान ने कहा है कि महकमा ज़राअत को जदीद खतूत पर सवार करने के लिए तमाम वसाइल बरकरार लाए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन चमन के दफ्तर से जारी करदा एक सर्कुलर के मुताबिक कोच मालकान को हिदायत की गई है कि वो अपने कोच का रूट परमिट दफ्तर हज़ार में 25 फरवरी 2021 दोपहर 2 बजे तक जमा कराएं। डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी ने झलमक्सी रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा किया, अवाम को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात के मुतालिक आगाही हासिल की। सेंट्रल पुलिस ऑफ बलूचिस्तान में तबादलों का सिलसिला जारी है। सीबीए की जानब से मजदूर मसाइल हल के लिए मुजाहरा किया गया। बलूचिस्तान बार काउंसिल के रहनुमा ने वापडा एहलकारों की जानब से जोब बार एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मीर एनुद्दीन कुद ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जिला शेरानी के मोतबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।